बिठूर दर्शन श्रृंखला के दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम दर्शन करेंगे बिठूर में ही बने महर्षि वाल्मीकि आश्रम के, जो घाट से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आश्रम में पहुंचने पर हमें एक नवनिर्मित मंदिर दिखाई देता है, जिसमें दक्षिणमुखी हनुमान जी, माँ सीता और श्री राम परिवार सहित दर्शन देते हैं। हनुमान मंदिर की खास बात यह है कि लोग यहाँ दीवालों पर अपनी मनोकामनाएं लिखकर जाते हैं, इस विश्वास के साथ कि हनुमान जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इस प्राचीन वाल्मीकि आश्रम के मुख्य प्रवेश द्वार और अंदर कुछ निर्माण नानाजी राव पेशवा जी ने करवाया था। समय समय पर यहाँ जिस भी राजा का शासन रहा, उसने यहाँ के निर्माण में अपना सहयोग किया। आश्रम में प्रवेश करते ही एक जलकुंड बनाया गया है, जिसमें लौह कुश द्वारा हनुमान जी को बंधक बनाए जाने का दृश्य दिखाया गया है। आश्रम में प्रवेश करने पर हमें सर्वप्रथम दिखती है एक मीनार और सीता रसोई नाम से बना एक छोटा सा भवन, जिसमें एक विखंडित घंटी भी लटकी हुई हमें दिखी। घंटे की बात करें तो हमें बताया गया कि नानाजी राव पेशवा इस घंटे का प्रयोग तात्या टोपे को पुकारने के लिए करते थे। दीप स्तंभ के निकट ही एक चौकोर गड्ढा है, जिस पर पक्की मेढ़ बनाई हुई है। ऐसी मान्यता है कि सीता माता इसी स्थान पर धरती में समाई थी। सीता समाधि के बगल में बने मंदिर में माँ सीता के वन देवी स्वरूप को देखा जा सकता है। साथ ही इसके बगल में महर्षि वाल्मीकि के रत्नाकर स्वरूप को देखा जा सकता है। यह वृक्ष रामायण कालीन बताया जाता है और कहा जाता है कि लौह कुश इसी वृक्ष के नीचे बैठकर दीक्षा लेते थे। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को वाल्मीकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस शिवलिंग की स्थापना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, ऐसी मान्यता है। इस साथ ही मंदिर में महर्षि वाल्मीकि का विग्रह और भगवान विष्णु की एक मूर्ति दिखाई देती है। इस स्थान पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे। ये बाबा वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकिश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं, जो वाल्मीकि जी के हाथ की स्थापित शिवलिंग है, तो ये वाल्मीकिश्वर नाम के से जाने जाते हैं। इधर ये वाल्मीकि जी की प्राचीन मूर्ति है, जिस समय रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। बगल में वन देवी कुटिया है, जहाँ पे माता सीता जी का नाम वन देवी रखा गया था। और ये सीता कुंड है, जहाँ पे माता सीता जी धरती के अंदर समा गई थी। जब राम और लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, माता यहीं पे भूमि में प्रवेश हो गई थी प्रचलित। ये सीता रसोई है, जहाँ पे मैया जी ने भोजन बनाया था लक्ष्मण के लिए और वाल्मीकि मुनि के लिए। ये सामने एक मीनार आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पूरे 365 आले हैं। ये एक वर्ष के पूरे दीप जलाए जाते हैं दीपावली में और कार्तिक मास में आप लोग आके अपने नाम से दीप दान कराते हैं। तो जब आप दीप दान कराएंगे तो आपको स्वर्ग का मार्ग मिलेगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है स्वर्ग सीढ़ी। इसके बाद में उधर एक बगल में पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे भगवान वाल्मीकि जी बैठ के वो मरा 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 का जाप किए थे, वही एक पेड़ है जो सीता माता जी के समय काल की चीज समय आपके मौजूद है। उस पेड़ की ये विशेषता है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते हैं और नए पहनते हैं, इसी प्रकार से इसकी पुरानी शाखा पूरी समाप्त हो जाती है और अंदर ही अंदर पूरा नया वृक्ष तैयार होता है। खूब शाखाएं भी गिर जाती हैं, बिल्कुल मिट्टी हो जाए, सड़ जाए, जैसे वाल्मीकि जी के शरीर पर दीमक लगे थे ना और फिर खूब तैयार हो गए थे, वाल्मीकि बन गए थे। इसी प्रकार से उसमें वृक्ष में पूरा दीमक लग जाता है ऊपर ऊपर और फिर अंदर ही अंदर फिर से तैयार हो जाता है नया।
आपको इसमें पतझड़ नहीं मिलेगा, आप किसी मौसम पे आइए किसी भी ऋतु में आ पाएंगे, सदा आपको इसी प्रकार से हरा ही वृक्ष मिलेगा। इसी वृक्ष का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था, इतना घना जंगल था कि सूर्य भगवान की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी। जो आपके लवकुश कांड में चौपाई है, ब्रह्मा वर्त सघन वन भारी, जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी, इसी वन में माँ सीता छोड़ी गई। इस वृक्ष का नाम है पीलू। बाजरे का जैसा दाना होता है, अंगूर जैसा मीठा फल होता है, मई जून में खाने को मिलता है। देश में जहाँ जहाँ वाल्मीकि आश्रम है, उस स्थल से लोकुश के जन्म स्थान की कथा जुड़ी हुई है। अब किस स्थान की कथा सही है, यह कह पाना मुश्किल है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें सिखाता है कि हम में भले ही लाख बुराइयां हों, हम जब भी चाह लें अपने आप को अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चला सकते हैं, ले जा सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम के आसपास भी कई तरह के मंदिर हैं, जिनमें कपिलेश्वर महादेव प्रमुख हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं कपिलेश्वर महादेव के। ऐसी मान्यता है कि कपिल मुनि ने गंगा सागर जाने से पूर्व यहाँ इस कपिलेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ अष्ट तीर्थ की महत्ता कभी विश्वविख्यात थी, श्रद्धालु इनकी परिक्रमा किया करते थे। हालांकि इनमें से अनेक तीर्थ अब स्मृतियों में ही बचे हैं, लेकिन उनकी महिमा अब भी बरकरार है। पवित्र पावनी गंगा के किनारे बसा बिठूर का कण कण नमन के योग्य है। यह दर्शनीय है महाकाव्य काल से इसकी महिमा खातिर। तो वाल्मीकि आश्रम की यात्रा के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स करके बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।